हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सिटी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को पता है अभी कुछ देर पहले मैंने आप सभी को अपडेट दिया हुआ था कि शिक्षक भर्ती छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में एक जो है मोड़ आ गया है यहाँ पर। और सभी के लिए एक बैड न्यूज़ ये है कि शिक्षक भर्ती को फ़िलहाल के लिए अंतरिम रोक लगा दी गई है। फाइनल रिज़ल्ट जो है उसको जारी करने पर फिलहाल हाईकोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई है। उसकी कॉपी आप यहां पर से देख सकते हैं, हाईकोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर ऑर्डर शीट WPS नंबर 3877 ऑफ 2023। तो इस प्रकार ये जो पिटीशन दायर किया गया था और उस पर हाईकोर्ट का जो फिलहाल फैसला आया है कि अंतरिम रोक लगा दी गई है फाइनल रिज़ल्ट जारी करने पर, यानी कि जब तक इसकी अगली सुनवाई नहीं हो जाती तब तक फाइनल रिज़ल्ट उसको नहीं जारी करना है। इसके कारण मैंने आपको बताए हुए थे, पर इसको जो है सरल शब्दों में आप यहाँ पर से समझ सकते हैं। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो 10 अंक का बोनस की बात की गई थी और साथ ही यहाँ पर विषय बाध्यता के बारे में जो वैकेंसी में लिखी हुई थी, विषय बाध्यता को लगभग समाप्त करके इसमें किसी भी विषय पर्टिकुलर विषय की वैकेंसी पोस्ट नहीं बताई गई थी, बल्कि पूरे शिक्षक भर्ती में जितने पोस्ट हैं टोटल को जोड़ करके बताया गया था। जो है एक सरल शब्द में यहाँ पर से समझ सकते हैं कि द पोस्ट हैज़ नॉट बीन स्पेसिफाइड सब्जेक्ट वाइज एंड देयर फोर नाइदर पिटिशनर और नॉर अदर कैंडिडेट्स आर अवेयर एज टू वेदर पोस्ट ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज एडवर्टाइज और नॉट। यानी कि यहाँ पर जो जिसने पिटिशन दायर किया है और जो अदर कैंडिडेट है, कोई भी ये नहीं समझ सकता कि किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। क्या हिंदी के लिए आई है या विज्ञान के लिए आई है या गणित के लिए आई है, कोई नहीं जान सकता। रिस्पोंडेंट हैव आल्सो पब्लिश्ड दैट टीचर विल बी अवार्डेड अप टू 10 बोनस मार्क 10 मार्क्स फॉर 2 मार्क्स फॉर ईच ईयर विच इज़ ऑल्सो। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये भी बात बताई गई है कि ये भी वैकेंसी बताया गया है कि 10 अंक के बोनस की बात वहाँ पर की गई है, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इस प्रकार की बातें इसमें कही गई है। तो यहाँ पर दो बातें निकल करके सामने आती हैं। एक तो जिसने पिटिशन दायर किया है उस उन्होंने किन किन बातों को लेकर किया है। सबसे पहली बात, एक तरह बोनस अंक जो 10 अंक का जो बोनस दिया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो सब्जेक्ट को लेकर के कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट की वैकेंसी वैकेंट सीट के बारे में नहीं बताया गया है। मान लीजिए अगर वाकई में विषय बाध्यता समाप्त कर दी गई है और गवर्नमेंट या विभाग ये चाहता है कि कोई भी कैंडिडेट सेलेक्ट हो, तो वो 6th to 10th जो है हर कैंडिडेट हर विषय पढ़ा सकता हो, तो ये नामुमकिन है। एक तरह से मुमकिन नहीं है ये। अगर कोई आर्ट का टीचर है, अगर उसने साइंस या मैथमेटिक्स अपने ग्रेजुएशन के दौरान नहीं पढ़ी है, तो वो अच्छे से बालकों को नहीं पढ़ा पाएगा। इस प्रकार की चीज़ें और इस तरह की भर्ती जो है किसी भी राज्य में नहीं होती। यहाँ तक कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो टीचर भर्ती होती है उसमें भी ये बातें नहीं होती। यानी ग्रेजुएशन में पढ़े हुए सब्जेक्ट का ही वो जो है शिक्षक बन सकता है 6th to 10th में, जिसको TGT कहते हैं, ठीक है। तो ये शिक्षक भर्ती के लिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक होना आवश्यक है, तभी वो जा करके एक क्वालिटी एजुकेशन अपने स्टूडेंट्स को दे सकता है। मान लीजिए अगर कोई आर्ट का स्टूडेंट है, अगर वो साइंस या मैथमेटिक्स का टीचर बन जाता है, लेकिन जब आगे चल करके उसका प्रमोशन होगा तो फिर किस पोस्ट पर होगा, किस विषय का वो टीचर बनेगा, ये सोचने वाली बात है। क्या वो आर्ट का टीचर आगे चल करके बनेगा या फिर साइंस या मैथमेटिक्स से उसको पढ़ाने के लिए कहा जाएगा। तो ये यहीं पर ये बातें जो है क्रैश हो रही है और क्लैश हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अगली डेट है, जो सुनवाई की अगली डेट है, उसके बारे में क्लियर नहीं बताया गया है। बस ये बताया गया है कि लिस्ट द दिस केस इन द वीक कमेंसिंग 6th of August 2023। यानी कि जो 6 अगस्त 2023 से शुरू होने वाले सप्ताह में इस केस को लिस्ट करने की बात की गई है। तो बहुत हद तक उम्मीद है कि 6 अगस्त या उसके बाद ही इस केस की सुनवाई हो सकती है। अब बात आती है कि क्या कोई चांस बन रहा है कि ये जो वैकेंसी है उसको पूरी तरह से रद्द होने का कोई चांस बन रहा है। तो देखिए, अभी फ़िलहाल इसकी कोई चांस नहीं है रद्द होने की। गवर्नमेंट एवं विभाग के द्वारा कोई ना कोई इसका रास्ता अवश्य निकाल लिया जाएगा। पिछले बार भी 2019 की भर्ती में भी कई तरह के कई प्रकार के केसेस लगे हुए थे, लेकिन आखिरकार वो भर्ती जा कर के पूरी हुई और ये भर्ती भी आगे जा कर के ज़रूर पूरी होगी। हो सकता है इसमें कोई थोड़ी देर अवश्य हो सकती है, लेट लतीफ़ी हो सकती है,
लेकिन ये भर्ती अपने जो है अंजाम तक जरूर जा करके पहुँचेगा। आपको हताश या निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपकी कोई भी डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।